हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे सब माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी, आज मैं बनाने लगी हूँ नाश्ते में होममेड बर्गर। तो वैसे मैं ऐसी चीज़ें खाती नहीं हूँ, तो ये तकरीबन मुझे 4 साल से भी ऊपर हो गया। तो ये मैं बनाया करती थी अपनी मदर इन लॉ के लिए, तो बड़ा ही टेस्टी ये बनता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये ट्राई करती हूँ, तो इसलिए ये मैं बनाने लगी। कल मैंने सैंडविच बनाया था, वो मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया, आप वो देख ले। तो कैरल के लिए वही सैंडविच बनाने लगी और आपके लिए। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये इजी सा कैसे बनता है। आप लोग ना ये ना सोचिएगा कि ये जो है ना बर्गर नाश्ते में खा रही है, क्योंकि ये देखिए बन भी सुबह नाश्ते में खाया जाता है, ब्रेड भी। तो ये क्यों ना दोनों चीज़ों को बर्गर की शक्ल इख्तियार करके तो आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं। कुछ इसमें चीज़ें हेल्दी है, कुछ अनहेल्दी है, तो जी आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो जी सबसे पहले मैंने थोड़ा सी ये चटनी बनानी है, ये भी मुझे ना बर्गर में लगानी है। एक हरी मिर्च थी, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा नमक था, और ये चीज़ें ये बन लूँगी, और ये ब्रेड है और साथ में ये एग। तो जी इसमें मैंने सिर्फ धनिया और एक हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, और उसे हाथ से ही ना जो बनाऊँगी ब्लेंड नहीं करूँगी। तो जी इस तरह जो मुझे ये चटनी बनाना जो बहुत पसंद है, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो फिर मैंने ये इस तरह दो इसके दरमियान में से कट करके ना बन के तो स्लाइस इस तरह कट कर लिए, और ये दो ब्रेड के मैंने स्लाइस कट कर लिए थे इसके। तो इसे पहले तवे पे ना इसे गरम कर लूँगी थोड़ा सा, ज़्यादा मैंने इसे ब्राउन नहीं करा, हल्का सा इसे सेक लूँगी। तो ये कटिंग थोड़ी सी इसकी मुझसे ना ख़राब हो गई है, नाइफ के साथ मैंने कट की थी तो वो थोड़ी अच्छे से चली नहीं, तो आप लोग अच्छे से कटिंग कर लेना। तो जी अब ये जो स्लाइस है ना इसे मैं फोल्ड करके तो एग में इस तरह डिप करके तो इसे भी जो है ना फ्राई कर लूँगी। ये जो चीज़ें हैं ना दो, ये इसमें ना बर्गर में बहुत ही टेस्टी लगती है, सबसे ज़्यादा टेस्ट इसका भी आता है और चटनी का भी, और साथ में मैं सैलड भी ऐड करूँगी। तो जी प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आप लोगों को ये बर्गर पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही टेस्टी है यह होममेड बर्गर, आप भी ज़रूर ट्राई करना। तो ये मैंने ना चटनी लगा दी है सॉस की जगह, आप थोड़ा ना ये भी लगा सकते हैं, थोड़ा केचप सॉस भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए जी ऊपर रख दें, सिंपल चीज़ें हैं इसमें, कोई इससे कोई आपका वेट गेन भी नहीं होगा। तो थोड़ा सा मैंने ये सैलड रख दिया इसमें, आप साथ थोड़ा खीरा भी कट करके रख सकते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल मेरे पास नहीं था। तो सलाद के पत्ते वगैरह भी रख सकते, वो भी मेरे पास नहीं थे। तो ये देखिए जी ये है इसका फाइनल लुक, और बहुत ही टेस्टी ये बर्गर था। तो जी ये मेरी मदर इन लॉ बड़े शौक़ से खाया करते थे, वो ये कहते थे कि कोई अच्छी सी चीज़ मीन्स बाहर की चीज़ें ज़्यादा उन्हें नहीं पसंद थी। तो फिर मैंने सर्च किया, तो मैंने ये यूट्यूब से निकाला, तब का 4-5 साल पहले की बात है, मैं उनको बना के दिया करती थी, तो वो बहुत ही ये चीज़ ना पसंद करते थे। तो फिर शाम को ना मैं सारा दिन ब्लॉगिंग में, शाम को मैंने बिरयानी बनाई थी। तो आज तो जी सारा दिन जो है ना खाने टेस्टी खाए, सारा दिन मतलब सारे खाने टेस्टी होते हैं। तो जी फिर साथ ही मैं ये टिंडे और चिकन बनाने लगी थी, क्योंकि कैरल को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थी, तो कैरल बहुत ही खुश थी। इधर ना लेयर्स वगैरह लगा कर मैंने दम दे दिया था, ये दम के बाद ये देखिए कितने अच्छे बिरयानी बनी थी, और ये टिंडे जो है बनने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।